92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentines Day Special में सुनिए Love Story आशा भोसले और आरडी बर्मन की। पंचम, पहले तुम्हारी मुलाकात हुई थी, अरमान फिल्म का मेरा गाना चल रहा था। तुम्हारे पिताजी ने कहा था, एस जी बर्मन साहब ने, कि तुम्हारा एक फैन है, मैं लाया हूँ। और तुमने आके मेरे पैर छूके और मेरे एक ऑटोग्राफ लिया था। और तुम इतने छोटे से, अदकद छोटा था, बहुत पतले दुबले थे, बड़ा चश्मा था। और मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने सोच रही थी बाप इतना लंबा है, बेटा इतना कितना छोटा सा है। और उसके बाद जब दादा के साथ तुमने काम शुरू किया, तब मैं रोज़ तुमको देखती थी 9-2-11 से। लेकिन ये पता नहीं था कि तुम इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, इतने बड़े कलाकार हो। जब पहला गाना मैंने तुम्हारा गाया, ओ हसीना जुल्फों वाली, में पता लगा। इससे पहले गाया था मार डालेगा दर्द जिगर, पता लगा कि तुम बहुत बड़े कलाकार हो, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हो। और नया स्टाइल तुमने शुरू किया, लोग पहले चिढ़े, लेकिन मुझे मालूम था कि ये स्टाइल बहुत नया है, बहुत अच्छा है। इंडिया और इंडिया का म्यूज़िक और बाहर का म्यूज़िक तुमने बहुत अच्छी तरह मिलाया था, जैसे शक्कर और दूध मिलता है। और इतना खूबसूरत से तुमने लोगों के सामने रखा। और तुम इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हो। और जब झगड़ा होता था तो हमारा खाने के ऊपर से होता था। हमारे दोनों की जुगलबंदी होती थी कि तुम अच्छा बनाती हो कि मैं अच्छा। लेकिन उसने जो कुछ 10-12 चीज़ें बनाई, मैंने तो याद कर ली। मेरा खाना तो वो बना नहीं सका कभी, लेकिन उसका खाना मैं बनाती हूँ आज भी, और अलग ही होता है। फिर वो बोलता था कि मेरा अच्छा खाना है कि तुम्हारा अच्छा खाना है। नेचुरली इस बात पे झगड़ा होता था। उसे अच्छा कपड़ा पहनने का शौक़ था। ये नहीं कि पैंट शर्ट में कोई अच्छी चीज़ हो या सूट हो, उसको बहुत अच्छा लगता था कुर्ता और लुंगी। और वो हर कलर की, सब रंग की कुर्ता और लुंगी हमेशा घर में पहनता था। और इतना गोरा था, लाल लाल था, और उसको वो कलर कलर की लुंगियाँ, कलर कलर के मतलब अलग अलग कलर उसको बहुत सुंदर दिखते थे। बस यादें रह गई, बहुत सी यादें हैं, सब बताने जाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा। 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए Love Story नीला देवी और शम्मी कपूर की। याद करने की कोशिश कर रही थी आपकी शादी के बारे में, कि कैसे हुई, किस हालात में हुई, आपने किस तरह से हाँ की, उन्होंने किस तरह से प्रपोज किया। तो ये कहानी मैंने दूसरी जगह से थोड़ी थोड़ी सुनी है और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने ज़्यादा बात नहीं की। तो अगर ये कहानी आप बताएंगे अपने लफ्ज़ों से तो बहुत अच्छा लगेगा, ये लव स्टोरी फेरी टेल। ओ बापरे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। कृष्णा भाभी जी, मेरे जिठानी जो है, उन्होंने और मेरे ननंद, इनके बहन ने, दोनों मुझे जानते थे, क्योंकि रीटू और मैं कॉलेज में साथ में थे, तो मिलना जुलना होता था। तो भाभी जी को शायद मैं अच्छी लगती थी, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया था। और हम लोग पुराने ज़माने में जैसे मिलते हैं, ऐसे चेंबूर में घर पे मिले थे, बातचीत बिल्कुल नहीं हुई थी। लेकिन रीतू की शादी हो रही थी, उसके 2-3 दिन पहले इनका मिडल ऑफ द नाइट में फ़ोन आया कि पूरी अपनी राम कहानी बताई फ्रॉम द चाइल्डहुड। इनका मतलब शमी कपूर जी, इनका। आप उनको कैसे पुकारते थे? साहब जी बोलती थी जी। तो उनका फ़ोन आया, मगर शादी के पहले क्या बोलते थे? नाम लेते कम। मेरे ब्रदर के दोस्त थे, वो घर पे भी आते थे, मेरे फादर के साथ आके विस्की पीते थे, वैसे आते थे। यहाँ नहीं रहते थे? बम्बई में रहते थे जी। तो आते रहते थे, पर वैसे कोई कभी वो बात ही नहीं थी। तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाभी जी चाहते हैं कि हम दोनों मिले, ये वो। पर मैं रात को 2 बजे रात को फ़ोन आया था, और 2 बजे से 6 बजे तक उन्होंने पूरा सब अपने बारे में बताया। मैं पूरे उनकी फर्स्ट वाइफ गीता जी के बारे में, उनके अफेयर्स के बारे में, उनके करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये सब बता के बोले कि ये सब है, पर फिर भी आई वॉन्ट यू टू मैरी मी एंड आई नॉट लेट यू डाउन, यूल बी द मेरे घर की आप, यूल बी द माई लाइफ एंड वॉट एवर, तो विच यू मैरी मी, ऐसे करके प्रपोज़ किया। तो मैंने कहा पर वो तो ठीक है, लेकिन मैं मेरे घर वालों को कैसे बोलूँगी? जैसे आपके भाई को उठा के बोलना कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, टू कम फॉर ब्रेकफास्ट एंड स्टे ओवर फॉर लाइफ टाइम। तो ब्यूटिफुल वे टू प्रपोज। एंड बट पूरा उन्होंने अपना सब इतना ऑनेस्टली बताया कि मैंने, मतलब
लगा कि नहीं ये आदमी बहुत ऑनेस्ट है और उनके बारे में मैं जानती थी क्योंकि मेरे बचपन से उनकी फ़ैन थी। तो आपकी फैमिली की क्या रिएक्शन हुई? माय फैमिली की रिएक्शन शायद ये होनी थी इसलिए मेरे इससे मेरे से एक बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी मध्य प्रदेश में एक महाराजा के साथ हुई थी, उनकी शादी में बहुत गड़बड़ हो गई थी, दे ट्राइड टू पॉइजन हर, तो मेरे फैमिली वाले सब बहुत अगेंस्ट हो गए थे दिस महाराजा एंड अरेंज मैरिज एंड ऑल दैट। तो इनकी जब प्रपोजल आई थी तो मेरे फादर मदर यूजुअली तो ना ही करते थे लेकिन उन्होंने बोला कि इनके बारे में सब जानते हैं हम और जिस तरीके से आया था रिश्ता मेरे फादर इन लॉ वगैरह के उनको लाइफ जानते थे तो उन्होंने हाँ कर दी, तकदीर में था शायद जी। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इनके साथ शादी हो सकती है क्योंकि एक तो मेरे से 10 साल बड़े थे प्लस ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन और उनके बच्चे भी थे तो मैं उनके लिए जस्टिफाई कर सकती हूँ कि नहीं माँ बन के, तो सब था। पर जब इन्होंने रात को मेरे साथ बात की तो मुझे लगा कि नहीं आई कैन, मतलब मैं शायद कर सकती हूँ। तो दूसरे दिन हम लोग इधर आए जी, मैं दूल्हा बन के आई इधर। अच्छा, मतलब हम यहाँ आए तो मैं ही दूल्हा बजी ना। तो और माय फादर लोग उन्होंने रात को बोला था कि मैंने पहली शादी भी बाणगंगा में जाकर की थी तो मैं कल रात को आता हूँ तुमको लेके जाता हूँ और वहाँ शादी करेंगे। मैंने कहा हम चुपके क्यों करेंगे, हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके पिताजी माताजी रहे, मेरे पिताजी माताजी रहे। तो बोले ठीक है आप इधर आइए, कम फॉर ब्रेकफास्ट स्टे ओवर फॉर लाइफ टाइम। हम लोग सुबह इधर आए, देन माय फादर इन लॉ इनको एक तरफ ले जाकर सीरियसली पूछा कि कोई मजाक या कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, क्योंकि ये फैमिली अलग टाइप की है। वो बोले नहीं पापा जी मेरे को सचमुच सेटल होना है, मैं सब सोच समझ के कर रहा हूँ। फिर पापा जी वेरी स्वीटली वेंट टू माय फादर, झोली फैला के मेरा हाथ मांगा टिपिकल अपने स्टाइल में, मैं यहीं पे तैयार हुई और यहीं पे हमारी शादी होगी। 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए लव स्टोरी नीतू और ऋषि कपूर की। जितने आपके फिल्म मेकर्स थे उस वक्त यही कहते थे कि नीतू सिंह के साथ बिल्कुल टेंशन नहीं होता है कोई भी काम के लिए और वो रोल को बहुत अनकॉम्प्लिकेटेडली समझ लेती है। एक दौर था व्हेन अमित जी वाज डूइंग मेनी मेनी फिल्म्स एंड ही वांटेड एंड रेकमेंडिंग नीतू इन सो मेनी ऑफ देम और बार बार वो डायरेक्टर्स को बोलते थे और बार बार नीतू रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड। और काला पत्थर का रोल एक्चुअली बहुत आपका लेयर्ड था। तो गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे, धूम मचे धूम एंड मैया, क्या मैया मैं तो पाऊंगी, दोस टू सॉन्ग्स वर क्वाइट मेमोरेबल और उसकी काफी मेमोरीज भी हैं। जो नाइट शूटिंग थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे को कितना तंग किया था भावना, यू रिमेंबर? आपके हस्बैंड जो बोलते थे कि 9 बजे के बाद शूटिंग नहीं करना, इट वाज अ नाइट शूटिंग एंड आई टू बी होम एट 9 o'clock, स्टार्ट शूटिंग एट 7. So that this was at Raj Kamal. Neetu, boyfriend थे. Boyfriend थे. Sorry. So मेरा एक वो था कि तुम 9:30 के बाद शूटिंग नहीं करोगी और वो गाना धूम मचे धूम उसमें सब टॉप स्टार्स थे, राखी, शशि कपूर, परवीन भाभी, अमिताभ बच्चन और गाना मेरा था। सो I told Yash, I have to go. My boyfriend will kill me. I have to go home at 9:30. फिर वो ऐसे अरेंज करते थे कि वो 2 घंटे मेरे शॉट्स लेते थे, मैं ज्वेलरी भी नहीं उतारती थी, कपड़ों के साथ गाड़ी में बैठती थी और घर भागती थी बिकॉज आई हैड टू गो होम एंड कॉल हिम अप, दैट टाइम देयर वर नो सेल फोन्स, सो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस दैट सॉन्ग स्पेशली धूम मचे तो। ऋषि जी इतने एक्टिव हैं ट्विटर पे, ट्वीट्स जो होते हैं अभी वो सबसे ज्यादा अवेटेड ट्वीट्स होते हैं कि आज ऋषि जी क्या कर रहे हैं और हमारे कितने झगड़े होते हैं घर में आपको तो पता ही नहीं। आप ट्विटर पे क्यों नहीं है? मैं ट्विटर पे फॉलो कर रही हूँ विद अ फिक्टिशियस नेम, कोई जानता नहीं है, उनको वॉच करने के लिए आई एम ओनली फॉलोइंग हिम और फिर मेरे झगड़े होते हैं फिर वो 5-6 दिन तक ठीक रहते हैं, फिर हर ट्वीट मेरे को दिखाते हैं, अच्छा ये ठीक है, फिर ठीक रहते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद पता नहीं क्या आता है फिर कुछ लिख देते हैं। सो हमारी काफी रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो रहा है ये ट्विटर के लिए। नहीं, लेकिन एक चीज के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट देना होगा, यूजुअली एक्टर्स बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, वो लिखते नहीं है जो उनका मन करता है, बट ऋषि कपूर इज वन पर्सन जो दिल में आता है वो लिखते हैं और अमेजिंग ट्वीट्स हैं, मतलब हिलेरियस है, आप पढ़ेंगी तो बिना उसको रीट्वीट किए आप। 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए लव स्टोरी चित्रा और जगजीत सिंह की। Well, this is a well-known fact. I have said it time and again कि मुझे उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई थी।
So I was a huge Talat Mahmood fan, and I mean, of course, my childhood, Talat Mahmood, Lata Mangeshkar ko sun sun ke to bade hue. And those were like fine, thrilling voices, you know. Ye ek awaz achanak sunne ko aaya, jo ki gambhir bass aur jo gaane bhi jo ga rahe hain, ekdam serious thehra hua. He was 24, 25, and I was 22. Kisne sunaya mujhe, Gujarati neighbor. Unke ghar pe jalsa tha, to she had invited me, but I have always been very private. Bhir bahar dekha, hamare balcony se unka drawing room dikhta tha. To main dekha, bahut log, sare log, to I didn't go. Lekin main balcony mein khadi hoke dekh rahi thi kya chal raha hai andar. Next morning, she called me. She said, Chitra, aaja. She knew I sang and loved music and all that. And she said, sun, kal ek naya ladka Punjab se aaya hai. Kya awaaz hai? Kya gaata hai? Maine kaha, bhi koi awaaz hai yaar. Kya bol rahi hai? Maine kaha, well, mere ko nahi acha laga. Kya bolu? Tere ko kya acha lagta hai? Maine kaha, mere ko Talat Mahmood acha lagta hai. That was the end of it. 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए Love Story Shabana Azmi और Javed Akhtar की. Javed साहब का जो इंटरव्यू हुआ है उसके लिए Javed साहब ने कुछ आपके बारे में बात की है. सवाल ये था कि Shabana Azmi से आपको इश्क कब हुआ और कैसे हुआ. तो इतने लंबे लंबे बातें इधर उधर घुमा घुमा के उन्होंने कहा कि जैसे शायर बोलते हैं. आप बताइए कि आपको उनसे इश्क कब और कैसे हुआ. दरअसल जावेद जो है ना हमारे घर में बहुत आते जाते थे, लेकिन उन्होंने शायरी करना शुरू की थी और वो आते थे कैफी साहब को शायरी सुनाने के लिए. मैं उनको समझती थी कि बस सलीम जावेद वाले जावेद हैं और ये सुन रखा था कि बहुत एरोगेंट लोग हैं और अपने आप को बहुत समझते हैं एक्सेट्रा. तो मैं बहुत मसरूफ भी थी उस जमाने में, ज्यादा ध्यान नहीं देती थी. उनको ये बात खलती थी कि ये एक्ट्रेस है और सब एक्टर्स जो हैं वो लाइन लगा के हमारे घर पे आते हैं क्योंकि ये मौका देंगे, ये कैसी लड़की है. लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने स्पर्श देखी असल में. एक तो उनको अंकुर में मेरा काम बेहद अच्छा लगा था, लेकिन उसका उन्होंने इतना इजहार नहीं किया. फिर उन्होंने स्पर्श देखी और स्पर्श उनको बेहद 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 पसंद आई. तो फिर उन्होंने सई परांजपे को कांटेक्ट किया. फिर सई परांजपे को बोला कि आप अपने एक्टर्स को बुलाइए. तो नसीर और मैं सई के घर पे गए थे. तो इस तरह से बात हुई. तो जब वो उसकी ऑब्जर्वेशन बता रहे थे स्पर्श की, तो मुझे लगा कि कितनी एक ही बार फिल्म देखी लेकिन कितनी बारीकी से उसको समझा है. तो जाहिर है मुझे इंटरेस्ट हुआ. फिर उसके बाद जब वो घर आने लगे तो मैं उनसे बात करती थी. तो जब मैं बात करती थी तो मैंने ये जाना कि उनका जो इमेज है और वो जो एक्चुअल हैं वो कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. सबसे पहले जिस चीज़ से मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी, जाहिर है कि वो उनकी जहानत, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो विट है, और मुझे लगा कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं उस इमेज से जैसे जिसको मैं जानती हूँ. और फिर मैं ज़्यादातर देखती थी कि ये और अब्बा जब बात करते थे तो मैं खामोशी से उनको सुनती थी. और कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने मिलते जुलते लोग हैं, इनमें इंटरेस्ट कितने कॉमन हैं. शायरी, फिल्म, लखनऊ, तहजीब, शायरी. तो मैं कहीं जावेद को जब जानने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी अब्बा की पहचान दोबारा कहीं ना कहीं सामाजिक सोच भी जो थी. और बिल्कुल सामाजिक, क्योंकि वो भी प्रोग्रेसिव राइटर्स. बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि जावेद और मेरे बैकग्राउंड्स इतने सिमिलर हैं कि सही मानों में तो हमारी अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए थी. बिल्कुल एक ही तरह के माहौल में से निकले हुए लोग हैं. तो जब मैंने उनको जो है करीब से देखा और फिर पसंद करने लगी मैं उनको, तो जाहिर है कि बहुत ही वो मुश्किल दौर था क्योंकि वो शादीशुदा इंसान थे. बहुत मुश्किल दौर था और हमने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को ख़त्म करें. एक बार ऐसा हुआ था कि हमने ये तय किया था कि आज ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक आखिरी बार हम लोग मिले क्योंकि हम 3 महीने से नहीं मिले थे. और उस दिन हमको एक दूसरे से इतनी बातें करनी थी और इतने सारे टॉपिक्स पे बात करनी थी क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल अवेयरनेस थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो जिंदगी का जो नज़रिया है वो एक जैसा था. तो इतनी ज़्यादा टॉकेटिव हमारी वो शाम गुजरी कि हम ये भूल गए कि हम यहाँ आए थे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए. तो उसके बाद जो है फिर कोशिश की. एनीवे वो एक लंबी कहानी है. ये जो शायर इतनी खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं तो आपके साथ भी बहुत रोमांटिक पेश आते हैं. रोज फूल भेजते हैं. मेरे पास जो है झुंड के झुंड लड़कियों को आते हैं, कहते हैं कि
शबाना जी, यू सो लकी, आपका शौहर कितनी रोमांटिक गाने लिखता है. अब मैं कहती हूँ कि उनमें एक रोमांस की एक हड्डी भी नहीं है. और वो कहते हैं नहीं, ये नहीं मुमकिन हो सकता है. जब जावेद से पूछते हैं कि आपकी बीवी कहती है कि आप जरा भी रोमांटिक नहीं है, तो वो कहते हैं आप अगर सर्कस पे काम करेंगे तो आप घर पे उल्टे तो नहीं लटके रहेंगे ना. मतलब ये देखिए, लेकिन एक खूबसूरत वाकया जो मैं ज़रूर बताऊंगी. एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग कहीं जा रहे थे और एक फूलों की दुकान थी, और मैंने कहा मुझे हमेशा से फूल बहुत पसंद है, और मैंने कहा कितने खूबसूरत फूल हैं. तो उन्होंने गाड़ी रोकी और पूरी दुकान खरीद ली. और पूरा वो हमारी मतलब डिक्की में से, गाड़ी में से, हर जगह से फूल ही फूल, फूल ही फूल. इट वॉज जस्ट टू ब्यूटिफुल. उसके कुछ दिन के बाद हमारी लड़ाई हो गई किसी बात पे, तो हम बात नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने सिर्फ एक शेर मुझे लिख के भेजा कि उसी मकाम पर कल मुझको देख के तन्हा बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले. क्या बात, क्या बात. मेरी मम्मी ने कहा बिल्कुल मत मानो ये बातें जो हैं, ये शायर बहुत लफाजी करके आपको यूं फंसाते हैं. 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए लव स्टोरी पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की. आपका और शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो कोर्टशिप चला है वो करीब करीब 10 साल चला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपको पता है कि हमारे घर का नाम रामायण है जी. रामायण में जब सीता आई थी तो उसके पहले उसने 14 साल का वनवास बाद में देखा था. मैंने 14 साल पहले ही वनवास देख लिया था. जी. हमारी कोर्टशिप 14 साल पहले थी एंड देन वी गॉट मैरिड आफ्टर 14 इयर्स. सो इट वाज लाइक पहले ही मैंने वनवास देख लिया. और वो सब कहानियां सच्ची हैं जो पढ़ने में आती हैं कि ट्रेन पे मिले थे, मैगजीन पर कुछ लिख कर दिया था शत्रुघ्न जी ने आपको. बिल्कुल बिल्कुल. क्या एग्जैक्टली लिखा था उन्होंने मैगजीन पे? एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पर अपने मुंह बोले भाई की शादी में, पटना जी. शादी करके हम लोग वापस आ रहे थे भाभी को लेके बॉम्बे जी. तो उसी ट्रेन में इन्होंने बोर्ड किया ट्रेन, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे जी. और मैं स्कूल में थी उस वक्त, और वापस हम लोग जब लौट रहे थे तो उसी कंपार्टमेंट में, वहीं पर मेरे बर्थ जहाँ मेरा कंपार्टमेंट था उसके सामने इनकी सीट थी. एंड मेरे जो छोटे भाई थे, इनके जो छोटे भाई थे उनके ये फ्रेंड थे जी. तो ऐसे ही बात बात में होने लगी कि बॉम्बे पहली बार जा रहे हो. भैया ने उनको कहा कि आपको कुछ जरूरत हो या कभी आना हो बॉम्बे तो आ जाना, एंड इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू यू नो हेल्प यू. फिर ऐसे मौका मिलते ही, पहला मौका मिलते ही आ गए. और असली जद्दोजहद तब शुरू हुई जब वो पूना से पास आउट होके मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए. और आपने एक फिल्म भी की सबक उनके साथ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो वो सेट पर कैसा, तब तक बात फाइनल हो गई थी कि यू आर? अच्छा जी. अच्छा, फाइनल मींस ऑफ कोर्स वी वर सीइंग ईच अदर, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं था. कि उसके बाद तो बहुत साल कोर्टशिप चली जी, जी. और बहुत सारे शादी ना होने के पीछे कोई ये वजह तो नहीं थी कि वो विलेन के रोल ज्यादा करते थे तो उस जमाने में? नहीं, ऐसी बात नहीं है. जी. I think I knew the real person. Right. I didn't know the on-screen जी, person. जी. तो वो तो बात बिल्कुल नहीं थी. लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी जी. और वो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती थी, और उनके तरफ से बहुत रिजेंटमेंट था जी. लेकिन बाद में टच वुड एवरीथिंग वर्क्ड आउट फाइन. आपकी शादी की तस्वीरें देख रहा था मैं पुरानी, कुछ कौन कौन लोग शरीक हुए थे? मैं एक तो सुभाष घई साहब मंडप के तो चारों तरफ, वो मेरे भाई हैं. अच्छा. मेरी शादी उन्होंने करवाई. और जब इन शादियों को देखते हैं, मतलब आपकी अब तो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो गई, उनकी शादियां हो रही हैं, तो आपको अपनी शादी की बात याद आती है थोड़ी बहुत? बिल्कुल बिल्कुल. बात ये याद आती है कि हमारी शादियां जो होती थी कितनी सिंपल होती थी. एक ही दिन में सब हो जाता था, शादी भी हो जाती थी, रिसेप्शन भी हो जाता था. लेकिन आजकल की शादियों में तो ओ माय गॉड, इतनी मेहनत, इतनी जदोजहद होती है कि पूछो मत. ये भी एक दौर है जो कि आई थिंक एवरीबॉडी लाइक्स टू एंजॉय, कि घर में शादी का माहौल होता है, अच्छा लगता है. 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood Valentine's Day Special में सुनिए लव स्टोरी रेखा और विशाल भारद्वाज की. एक चीज पूछूंगा आपसे कि
संगीत का इतना विशाल भंडार है, इस भंडार में से आपने विशाल जी को कैसे चुन लिया? नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो कड़ी जो संगीत कॉलेज में मिले थे। कौन से कॉलेज? हिंदू कॉलेज। हिंदू में थे आप दोनों और म्यूजिक की वजह से मिले, नहीं तो विशाल भी एक साल से कॉलेज में थे तो मुझे सुनते थे क्योंकि मैं फेस्टिवल्स में जाती थी, गाती थी। और I was quite a star actually college में, क्योंकि competitions में जाती थी। नहीं नहीं, I was कहना गलत है, आप बोलिए I am quite a star अभी भी आप होती हैं। जो हिंदू कॉलेज के बारे में आप, हम मिले एक कल्चरल फेस्टिवल जो कॉलेज का था एनुअल फंक्शन, और उसमें मिले हम लोग और म्यूजिक की वजह से हमारी दोस्ती हुई। फिर कुछ प्रोजेक्ट साथ भी किए। मैं विशाल को खैर काफी तंग करती थी, मतलब बहुत ही तंग करती थी। और पूछ सकता हूँ कैसे? पूछ सकता हूँ कैसे तंग करती? जैसे मैं कुछ भी बोल देती थी कि अगर मुझे कुछ कॉम्पोजिशन नहीं अच्छा लगा तो मैं बोल देती कि नहीं जरा सा अच्छा नहीं है या कुछ है, यू नो हाउ यू एक्ट प्राइसी बेसिकली, यू नो आपको पता है स्टार हो के तो अभी वो आपको कहते हैं ना, जैसे जितना जितना पेड़ बड़ा होता है, घना होता है, तब वो झुकता है। तो वो ह्यूमिलिटी थोड़ी देर से आई, मतलब सेंसिटिविटी थी पर वो समझ नहीं आती थी। आई थिंक कहीं पे ईगो थी ज़्यादा और वो पता नहीं था कि क्या है और वो सारी चीज़ें, बट आई थिंक ऑल दैट इज़ फाइन, आई वाज लाइक दैट। सो जब समझ आनी शुरू हुई अपनी कमियां गलतियां, तो फिर इसलिए वो जर्नी भी अलग शुरू हो के और वो इश्का से शुरू हुई जर्नी। तो एनीवेज, तो विशाल से मिले, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त रहे और फिर कुछ सालों बाद जब विशाल दिल्ली में शिफ्ट कर गए, देन वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर। तो म्यूजिक के लेकिन हम काम करते रहते हैं, म्यूजिक इज द ब्रिज दैट वॉज बिटवीन अस एंड म्यूजिक इज यू नो दैट कंपैटिबिलिटी बिकॉज ऑफ म्यूजिक इज is like great. बड़ी देखी मैंने तो मैंने कहा कि ये आदमी अब क्या कर रहा है। फिर मैंने मकबूल देखा तो मकबूल जिस दौर में मैंने देखा मैं हिल गया था। उसके बाद मैंने ब्लू अम्ब्रेला देखी, फिर मैंने क्रेडिट्स पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये क्या क्या करते हैं ये देख लेता हूँ फिल्में। तो स्क्रीन प्ले उनका हुआ होगा, डायलॉग्स उन्होंने लिखे, म्यूजिक उन्होंने बनाया, उन्होंने गाने गाए। आप क्या देखती हैं अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर विशाल के अंदर? क्या है? एक जीती जागती रूह, सेंसिटिविटी जो उनकी है ना, और जो ऑब्जर्व, और वो एंटीनास पूरे टाइम खुले रहते हैं तो जो आसपास के लिए बहुत जागरूक हैं, यू नो जो वट एवर इज हैपनिंग अराउंड हिम ही इज अवेयर ऑफ इट एंड ही रिएक्ट्स टू इट, यू नो लाइक इम्फाल में वो रोम शर्मिला को मिलके आए थे। तो मिलके जो आए तो उसके बाद उनसे रहा नहीं गया, ही रोट एन आर्टिकल अबाउट हिज मीटिंग विद हर फॉर टाइम्स के लिए। तो दैट्स हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, एक्सप्रेसिंग बिकॉज ही ऑब्वियसली यू नो हर कैरेक्टर को लेके फिल्म बनाना पॉसिबल नहीं है, कैसे कहें। तो वो बहुत ज्यादा पूरे टाइम वो रहते हैं, यू नो ही इज लाइक अ चाइल्ड, वो जो जिसको अगर कहा ना कि ये नहीं किया तो डू एंड डाई सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। तो आपको लगता है चलो भाई इसकी फिल्म बन जाए, इसका ये काम हो जाए, वरना है ना। तो ही इज लाइक दैट। आई मीन आई फील के आई मीन आई एम ऑब्सेस्ड विद माय सन लाइक एनी अदर मदर एंड आई फील, बट आई थिंक विशाल इज अ मोर, मतलब ही इज सच अ चाइल्ड के वो नॉट इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, और वो नहीं, वो जो उनका है वो अलग जो है, मतलब उत्सुकता, वो जो करने की एक जो आग उनको रहती है ना करने का, कि ये नहीं किया तो मर जाऊंगा, यू नो वो जो चीज है, दैट समथिंग दैट हैज ब्रॉट हिम वेयर ही इज एंड दैट्स अबाउट हिम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सितारों की लव स्टोरीज, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, वैलेंटाइंस डे स्पेशल में।